क्वेश्चन नंबर 9 में अ बॉल ऑफ मास 0.2 केजी रेस्ट ऑन अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 5 मीटर। तो ये वर्टिकल पोस्ट दिया हुआ है 5 मीटर एंड बॉल ऑफ मास 0.2 केजी इज एट रेस्ट। अ बुलेट ऑफ मास 0.01 ट्रैवलिंग विद वी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हिट्स द सेंटर ऑफ बॉल। आफ्टर द कोलिजन बॉल एंड द बुलेट ट्रैवल इंडिपेंडेंटली। द बॉल हिट्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 20 मीटर एंड द बुलेट हिट्स द एट अ डिस्टेंस 100 मीटर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो देखो हमें क्या करना है, बाद में इनका मोशन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो हमें इनका रेंज दिया हुआ है, तो एक तरह से हम आफ्टर कोलिजन बॉल और बुलेट दोनों के लिए वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो लेट से बॉल का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अगर v1 है तो हम लोग लिख सकते हैं कि रेंज हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का डायरेक्ट फॉर्मूला है, रेंज इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो रेंज की जगह 20 आ जाएगा, वेलोसिटी की जगह v1 आ जाएगा, 2h, h की जगह 5 आएगा, g की जगह 10 आएगा। तो आपको यहाँ से v1 की वैल्यू मिल जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ये है आफ्टर कोलिजन बॉल के लिए। एंड सिमिलरली अगर हम बुलेट के लिए आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v2 ले लें, तो टाइम तो दोनों का सेम ही है, बुलेट की वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये 100 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब ये आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी है, तो बिफोर कोलिजन के लिए हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं। बुलेट का मास दिया हुआ था 0.01, इनिशियल वेलोसिटी थी वी, आफ्टर कोलिजन बुलेट का वेलोसिटी है 100 और बॉल जिसका मास 0.2 केजी है उसकी वेलोसिटी है 20। देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम यहाँ से 0.01 कैंसिल कर दें तो ये 20 बन जाएगा इनफैक्ट, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू देखिए ध्यान से, तो 500 मीटर पर सेकेंड आ जा रही है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है।